बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू अनदर कैट ट्यूटोरियल। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम स्मार्ट सर्फेसर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने ड्राइव कर्व के बारे में स्टडी किया था। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम स्मार्ट सर्फेस में मौजूद एक ऑप्शन हमारे पास जो कि फ्रॉम सेपरेट के नाम से है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए आप सबसे पहले एक वर्क प्लेन लगाएँ और इसको ज़ीरो एंटर कर दें। फिर उसके बाद आप आइसोमेट्रिक व्यू वन लें और यहाँ पर आप वायर फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और एक कंटिन्यूस लाइन सेलेक्ट करेंगे। टाइप कमांड के अंदर आप ज़ीरो एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइन ज़ीरो के ऊपर प्लेस हो गई। इसके बाद आप वाई के अंदर 10 मिलीमीटर जाएंगे, टाइप करके ज़ीरो स्पेस 10। इसके बाद रिसाइज टू फिट कर लें। इसके बाद हम एक्स के अंदर 10 मिलीमीटर जाएंगे, 10 एंटर करके। फिर उसके बाद हम नेगेटिव वाई के अंदर 10 मिलीमीटर आना चाहते हैं तो उसके लिए ज़ीरो स्पेस -10 एंटर करें। तो इस तरह से हमारा एक वायर फ्रेम जनरेट हो जाएगा। तो आल्ट दबा कर इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें आप एडिट के अंदर जाएंगे और मूव के अंदर जाएंगे, जहाँ पर आप इसको कॉपी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो हम 2 कर देंगे और जेड के अंदर हम इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 5-5 मिलीमीटर के लिहाज से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का डिस्टेंस देके इसको एंटर कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब इसके कॉर्नर्स के ऊपर मैं डिफरेंट रेडियस देना चाहता हूँ इस कॉर्नर के, इन डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर। तो उसके लिए एडिट के अंदर आकर वायर फ्रेम के अंदर जाकर हम यहाँ से फिलेट की कमांड सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट रेडियस में देने के लिए आप आर स्पेस 1 एंटर करेंगे और जो हमारी सबसे नीचे वाली कंपोजिट कर्व है उसके ऊपर हम 1 मिलीमीटर का, उससे ऊपर जो है उसके ऊपर हम 2 मिलीमीटर का देंगे। उसके लिए आप आर स्पेस 2 एंटर करें और इस कंपोजिट कर्व को सिलेक्ट करें। उससे ऊपर जो है उसके ऊपर हम 3 का फिलेट देंगे, इसके लिए आप आर स्पेस 3 एंटर करें और यहाँ पर आप फिलेट रेडियस दे दें। फिर उसके बाद हम ये जो नीचे वाली दो कर्व्स हैं इनको ऊपर कॉपी करेंगे। पहली कर्व को हम 20 मिलीमीटर जो हमारी बॉटम के ऊपर है सबसे पहली है, इसको हम एडिट करके मूव के अंदर जाएंगे और इसकी कॉपी लेंगे और जेड के अंदर इसका हम डिस्टेंस जो है वो 20 मिलीमीटर रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद जो हमारी सेकेंड है कर्व, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, मूव के अंदर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको 10 मिलीमीटर ऊपर की तरफ मूव करके इसको ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये सेपरेट वायर फ्रेम जनरेट हो चुके हैं। तो स्मार्ट सर्फेसिस की मदद से हम इन सेपरेट जो हमारे पास वायर फ्रेम हैं इनको सेलेक्ट करके हम एक वायर फ्रेम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इन सबको सेलेक्ट करें, सरफेस के अंदर जाएं और यहाँ पर स्मार्ट सर्फेसर की ऑप्शन इसको आप सेलेक्ट करें। तो अब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो हमारे वायर फ्रेम थे उनको इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट सर्फेस ने ऑटोमेटिकली एक सरफेस को जनरेट कर दिया। तो ये इस्तेमाल है फ्रॉम सेपरेट का, इसको ओके करते हैं। अब स्मार्ट सरफेस का एक और इस्तेमाल मैं आपको सिंपल सा ट्रिकी एक बता देता हूँ मज़ीद इसके अलावा। इसको आप डिलीट करें और यहाँ से आप इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू लें। फिर उसके बाद आप वायर फ्रेम के अंदर जाएंगे, यहाँ से आप फुल सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ज़ीरो एंटर, पहले सर्कल का डायमीटर आप 10 रखेंगे और फिट टू रिसाइज कर लें। फिर दूसरे सर्कल को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इसकी पोजीशन 0 स्पेस 0 स्पेस 10 यानी कि जेड के अंदर 10 देंगे और इसका जो रेडियस है वो आप 15 कर दें। फिर उसके बाद आप एक तीसरा सर्कल सेलेक्ट करेंगे और उसकी पोजीशन आप 0 स्पेस 0 स्पेस 20 रखेंगे और इसका रेडियस या डायमीटर आप 10 कर देंगे, ओके कर दें। नीचे वाला सर्कल काफ़ी छोटा है, उसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ये हमारे पास 3 डिफरेंट सर्कल्स हैं, हम इन 3 सर्कल्स को इस्तेमाल करके एक शक्ल बना सकते हैं। उसके लिए आप इनको सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे सर्कल्स को
उसके बाद आप स्मार्ट सर्फेसेस में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा एक वायरफ्रेम की मदद से एक सरफेस जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह आप सेपरेट सर्फेसेस की मदद से जो हमारे वायरफ्रेम है सेपरेट वायरफ्रेम की मदद से आप सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इसको ओके करें। इसके अलावा स्मार्ट सरफेस को क्रिएट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड में आप कंट्रोल टी दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक शॉर्टकट की है स्मार्ट सर्फेसेस को इस्तेमाल करने के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगले ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।